हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि आपको ईएमआरएस के जो रिक्रूटमेंट है वो फिर से चालू कर दी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट इससे पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वो अब इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट आए, इवन टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको क्या दोबारा से फॉर्म भरना होगा, ये सभी का डाउट आ रहा था। मैंने बोला था कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, उसी का मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दे देता हूँ कि आपको दोबारा से फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, भरना है तो क्यों भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई 19 अक्टूबर तक। तो इतनी सारी पोस्टें हैं, अगर आप नए नहीं भरा है तो जाइए, ठीक है, भर दीजिए फॉर्म। और इसका जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर पर डाल दिया था, ठीक है। 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ूंगा, आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिंक डाल दिया था ई एम आर एस का कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई अगेन, यानी कि फिर से आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, इसके ऊपर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोबारा से। और इसके नीचे आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जिसने फॉर्म भर चुका है पहले उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही ढेर सारे कमेंट नीचे पड़े हुए हैं कि जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दी, भाई जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उनको भी दोबारा भरना होगा या नहीं भरना होगा। तो ये सब आपके कमेंट्स थे, तो इन्हीं का मैं जवाब देता हूँ। और ई एम आर एस के रिगार्डिंग अगर आप नई न्यू कैंडिडेट है तो वेकेंसी मेरे चैनल पर जाके आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ऐसे जाएंगे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको देखिए इस तरीके से नीचे दो प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। एक है ई एम आर एस जैसे कि, और एक है ई एम आर एस वैकेंसी 2023। इसमें सारे डाउट्स आपके लगभग मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको भरना है या नहीं भरना है। तो देखिए, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है आपको बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, पहली बात तो ये। हाँ, अगर आपने मान के चलिए जी एस ए का भरा था, अगर आपको लैब अटेंडेंट का भरना है तो आप फिर से उस फॉर्म को भर सकते, या और किसी दूसरी पोस्ट का अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये हॉस्टल वार्डन वगैरह तो वही आप भर सकते हैं। या फिर अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी जब आपने फॉर्म भर रहे थे, तो आपसे उस समय कोई गलती हो चुकी थी तो आप क्या करें, दूसरा फॉर्म भर दें, ठीक है, जिसमें आपकी सारी डिटेल सही होगी, ठीक है, नंबर वगैरह आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं बट वो आपकी जो डिटेल होगी वो सही होगी। और जो दो एडमिट कार्ड आपके आएंगे तो सही वाली जो डिटेल है उस पर आप फॉर्म दे के चलिएगा। और जिन्होंने जिनकी भी अगर इसमें भी गलती हो चुकी है, पहले गलती हो चुकी है, वो दूसरा फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो ई एम आर एस की एक विंडो ओपन होगी जिसमें करेक्शन विंडो होगी, तो उसे आप करेक्ट कर पाएंगे। तो वो जैसे ही ओपन होगी, आफ्टर 19 के बाद ही होगी ओपन, तो जब होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जिन्होंने भर चुका है उनको नहीं भरना है, और जिनको भरना है मैंने बता दी किन किन को भरना है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम कब होगा इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जल्दी ही आपको कल वो वीडियो मिल जाएगा। और कल मेरा डबल ए आई का एग्ज़ाम है सुबह, तो देखे आऊँगा, एनालिसिस दूंगा कि क्या कुछ आ रहा है। मैं केवल एनालिसिस के लिए जा रहा हूँ, मैंने भरा था फॉर्म पर मेरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूँ, तो बस जस्ट देखे आऊँगा और क्या क्या चीज़ें ले जानी है एडमिट कार्ड के साथ ए आई के, वो वीडियो बना रखा है, चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे जाके देख लेना, ठीक है, गलती मत करना। चलिए, इतना ही रखते हैं इस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।